बरतानिया को अफगानिस्तान में लड़ी गई दो लड़ाइयां हमेशा याद रहेंगी। एक 1842 में काबुल के करीब बरतानवी फौज की तबाही वाली लड़ाई और दूसरी 1880 में मेवंद की जंग। ये लड़ाई बरतानिया की उस इंतकामी कार्रवाई का नतीजा थी जो उसने काबुल में अपने मिशन की हलाकत के बाद की थी, लेकिन मेवंद में जो हुआ उसने द ग्रेट ब्रिटेन को हिला कर रख दिया। क्या मेवंद की लड़ाई अफगानों की फैसला कुन फतह थी? इस लड़ाई में एक मलाला भी थी, वो कौन थी? अफगानिस्तान की गेम ऑफ थ्रोन्स में कौन जीता और क्या बरतानिया इस कार्टून के मुताबिक अफगानों को बिच्छुओं की तरह कुचल पाया था? मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की इस किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। अठारह सौ अस्सी में अफगानिस्तान की गेम ऑफ थ्रोन्स के सबसे अहम खिलाड़ी थे अब्दुल रहमान खान। वो अफगानिस्तान के साबिक अमीर दोस्त मोहम्मद के पोते और उनके बाद बनने वाले अमीर शेर अली के भतीजे थे। उनके वालिद मोहम्मद अफजल खान ने अफगान तख्त के लिए शेर अली से तवील जंग लड़ी थी। ये कहानी भी आप हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान के दूसरे सीजन की पांचवी किस्त में देख चुके हैं। इस जंग में अब्दुल रहमान खान ने अपने वालिद अफजल खान और चचा आजम खान की भरपूर मदद की थी। इन्हीं की कोशिशों से अफजल खान 1866 में हुक्मरान बने थे। अगले वर्ष 1867 में उनका इंतकाल हो गया। फिर उनके छोटे भाई आजम खान हुक्मरान बने तो अब्दुल रहमान खान ने उनकी भी मदद की थी। ताम 1868 में जब शेर अली काबुल पर काबिज हो गए तो अब्दुल रहमान खान फरार होकर रूसी कब्जे वाले समरकंद में पहुंच गए। रूसियों ने उन्हें पनाह दी और अगले 10-12 साल उनकी मेजबानी करते रहे। समरकंद में बैठे अब्दुल रहमान खान मुसलसल इसी इंतजार में थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर ले। अमीर याकूब खान की इक्तदार से दस्तबरदारी और अफगानिस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जारी बगावतों ने अब्दुल रहमान खान को यह मौका फराहम कर दिया था। उन्होंने अफगानिस्तान वापसी की तैयारी शुरू कर दी। वतन वापसी से पहले अब्दुल रहमान खान समरकंद के मशहूर सूफी ख्वाजा एहरार के मज़ार पर हाजिर हुए। यहाँ उन्होंने दावा कर दिया कि उन्हें ख्वाजा एहरार ने यह बिशारत दी है कि अगर वो उनका यानी ख्वाजा एहरार का झंडा साथ लेकर निकलेंगे तो उन्हें फतह मिल जाएगी। इसके बाद अब्दुल रहमान खान जनवरी 1880 में दरियाए आमो अबूर करके अफगान सूबे बदख्शां पहुंच गए। उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक अफगानों ने उन्हें खुशामदीद कहा और हजारों की तादाद में उनके परचम तले जमा होने लगे। यूं एक नया लश्कर वजूद में आ गया। यहाँ दोस्तों आपके इल्म में होना चाहिए कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में सिर्फ काबुल से कंधार तक के इलाके को फतह किया था, यानी मशरकी वस्ती और जनूबी ईस्टर्न सेंट्रल और साउदर्न अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में थे, तहम शुमाली और मगरबी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न अफगानिस्तान अभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया था। इन इलाकों के अफगान गवर्नर्स साबिक अमीर याकूब खान के वफादार थे। सो जब अब्दुल रहमान खान अफगानिस्तान के इन्हीं शुमाली इलाकों में से एक यानी बदख्शां में दाखिल हुए तो मुकामी हुक्मरानों ने उनके मुकाबले की कोई भरपूर कोशिश नहीं की। जितनी भी किसी ने कोशिश की उन्हें शिकस्त हो गई। बदख्शां में तैनात अफगान फौजी दस्ते जो ज़ाहिर है अंग्रेज़ों के कंट्रोल में नहीं थे, वो अब्दुल रहमान खान से मिल गए। अब्दुल रहमान खान ने इस फौज की मदद से बदख्शां के दारुल हुकूमत फैज़ाबाद पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपना कंट्रोल शुमाली अफगानिस्तान के कई दीगर इलाकों तक फैला दिया। अब्दुल रहमान खान की ये कार्रवाइयाँ जाहिर है अंग्रेज़ों की नज़र में थीं, लेकिन अंग्रेज़ों ने अब्दुल रहमान खान का मुकाबला करने के बजाय मसलहत से काम लिया। उन्हें लगा कि अब्दुल रहमान खान ही वो इत्तेहादी हैं जो अंग्रेज़ों की अफगानिस्तान से बाइज्जत वापसी यकीनी बना सकते हैं। इसकी वजह यह थी कि काबुल के तख्त का एक और दावेदार भी सामने आ चुका था जो कि अंग्रेज़ों का खुला दुश्मन था। ये शख्स थे, ये अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, अयूब खान, जो साबिक अमीर याकूब खान के भाई और हिरात के गवर्नर थे। इन्होंने ख़ुद को अफगानिस्तान का नया अमीर डिक्लेयर करके अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दिया था। जबकि इनके मुकाबले में अब्दुल रहमान खान जो शुमाली अफगानिस्तान में फतह याब हुए थे, उनकी अंग्रेज़ों से फ़िलहाल कोई जंग नहीं हुई थी। हालांकि उनके पास इतनी फ़ौज जमा हो चुकी थी कि वो काबुल पर हमला कर सकते थे। उनके हामी भी यही चाहते थे कि अब्दुल रहमान खान अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद का ऐलान कर दें, जैसा कि अयूब खान कर चुके हैं।
अब्दुलरहमान खान लिखते हैं कि उनके हामी एक कबायली सरदार ने अंग्रेज़ों को मुखातिब करते हुए पैगाम लिखकर भेजा था कि फरंगियों हमारे मुल्क से निकल जाओ वरना हम तुम्हें निकाल बाहर करेंगे या ऐसा करते हुए हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे। एक और सरदार ने भी ये मुतालबा किया था कि अफगानों की तोपों और किलों की तबाही के मुआवजे के तौर पर अंग्रेज़ 100 करोड़ रुपये अदा करें वरना हम एक भी अंग्रेज़ को ज़िंदा पिशावर नहीं पहुँचने देंगे। अब्दुलरहमान खान के एक और हामी कबायली लीडर ने अंग्रेज़ों को दगाबाज काफिर कहकर मुखातिब करते हुए लिखा कि तुमने हिंदुस्तान पर चालबाजी से कब्जा किया है, अब तुम अफगानिस्तान भी इसी तरीके से हड़प करना चाहते हो, हम तुम्हारी मुजाहमत करेंगे और फिर रूस जैसी एक और ताकत भी हमसे मिलकर तुम्हारे खिलाफ लड़ेगी। दोस्तों, ये थे अब्दुलरहमान खान के हामियों के उनके साथियों के ख्यालात। तहम अब्दुलरहमान खान ने मसलहतन अंग्रेज़ों के खिलाफ जहाद का ऐलान अभी तक नहीं किया था। उनके इस अंदाज से अंग्रेज़ों को यही तासुर मिला कि अब्दुलरहमान खान अंग्रेज़ों से किसी समझौते के लिए तैयार हैं। वैसे भी अब्दुलरहमान खान और अयूब खान एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों के वालिद यानी शेर अली और अफजल खान अफगानिस्तान के तख्त के लिए आपस में जंगें कर चुके थे। अब इसी तख्त के लिए उनके बेटे भी मद्दे मुकाबल थे। इस गेम ऑफ थ्रोन्स में किंग मेकर बादशाह घर का किरदार अंग्रेज़ों के हाथ में था, यानी अफगानिस्तान के अगले अमीर का फैसला उन्हीं ने करना था। जाहिर है अंग्रेज़ों ने अब्दुलरहमान के हक में फैसला दिया क्योंकि वही तो समझौते पर तैयार दिखाई देते थे। अयूब खान तो अंग्रेज़ों से जहाद के अलावा और कुछ नहीं चाह रहे थे। हाँ, अंग्रेज़ों को एक छोटी सी दोस्तों हिचकचाहट ज़रूर थी, वो ये कि अब्दुलरहमान खान चूँकि जिलावतनी के दौरान रूसियों के मेहमान रह चुके हैं और खदशा अंग्रेज़ों को ये था कि वो अमीर बनने के बाद बरतानिया की मर्ज़ी के खिलाफ कहीं रूस से भी दोस्ती ही ना गांठ लें। तो इस पर अंग्रेज़ों ने अब्दुलरहमान खान को पेशकश की कि अगर वो रूस से अपना ताल्लुक तोड़ दें तो वो उन्हें अफगान अमीर तस्लीम कर लेंगे, बल्कि वो उन्हें बादशाह बना देंगे अफगानिस्तान का। अब्दुलरहमान खान इस पर तैयार हो गए और इक्तदार के मुंतकली के लिए अंग्रेज़ों से बाकायदा मुज़ाकरात उन्होंने शुरू कर दिए। इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान अब्दुलरहमान खान शुमाली अफगानिस्तान से पेशकदमी करके काबुल के करीब चारिकार के इलाके में पहुँच गए। 20 जुलाई को चारिकार में अफगान उलमा और कबायली सरदारों ने उनके हाथ पर बैत की और उन्हें अफगानिस्तान का नया अमीर तस्लीम कर लिया। इसके 2 रोज़ बाद 22 जुलाई को अंग्रेज़ों ने भी काबुल में एक तकरीब मुनक्किद करके उन्हें अफगानिस्तान का अमीर डिक्लेयर कर दिया। अब अब्दुलरहमान खान अमीर अब्दुलरहमान खान कहलाने लगे। तहम अभी अमीर और अंग्रेज़ों के दरमियान कुछ शरायत होना बाकी थी। अमीर अब्दुलरहमान अंग्रेज़ों को ख़त लिखकर कह रहे थे कि मेरे लोग पूछते हैं कि हमारी रियासत की हदूद क्या होंगी, इसमें कंधार भी शामिल होगा या नहीं, बरतानवी हुकूमत की दोस्ती के बदले हमें आपके किस दुश्मन को पीछे धकेलना होगा, ब्रिटिश हुकूमत उन्हें और उनके हमवतनों को क्या फ़ायदा पहुँचाएगी और इसके बदले में हमसे कैसी खिदमात कैसी सर्विसज आप लोग चाहते हैं। अमीर अब्दुलरहमान खान का दावा है कि उनके पास चारिकार में 3 लाख जंगजू जमा हो चुके थे। ये जंगजू बरतानिया से लड़ने पर तैयार थे, लेकिन अमीर ने उन्हें जवाब दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अंग्रेज़ तो खुद उन्हें दावत दे रहे हैं कि वो आकर काबुल का तख्त संभाल लें। लेकिन दोस्तों, अभी अंग्रेज़ों और नए अमीर के दरमियान कोई डील फाइनल नहीं हुई थी कि इस खेल के तीसरे खिलाड़ी अयूब खान ने अपनी मूव कर दी। वो हेरात से निकले और कंधार फतह करने चल दिए। फिर एक ऐसी लड़ाई हुई दोस्तों जो अफगान तारीख में लेजेंड बन गई। माय क्यूरियस फेलोज, अयूब खान ने हेरात में जिहाद का ऐलान करके 25,000 के करीब फौज जमा कर ली थी। इस फौज के अखराजात के लिए उन्हें ईरान से भी माली मदद मिल रही थी। ईरान इसलिए अफगानों की मदद कर रहा था क्योंकि माजी में बरतानवी मुदाखलत की वजह से उसे हेरात से हाथ धोना पड़े थे। अब शायद वो अयूब खान की मदद करके अंग्रेज़ों से पुराना हिसाब चुकता करना चाहता था। तो अब ईरान की मदद से अयूब खान ने यह लश्कर तैयार किया और कंधार पर कब्जे के लिए चल पड़े। उस वक्त कंधार पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। कंधार में चंद हज़ार अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी फौजी तैनात थे। अयूब खान को यकीन था कि वो इस फौज को बासानी शिकस्त देकर कंधार पर कब्जा कर लेंगे। जब अंग्रेज़ों को अयूब खान की पेशकदमी का इल्म हुआ तो कंधार से एक फौजी दस्ते को उनके मुकाबले के लिए आगे भेजा गया। 25,000 अफगानों और उनकी 30 से ज़ायद तोपों के मुकाबले में ये दस्ता सिर्फ 2,500 जवानों पर मुश्तमिल था, जिसके पास महज चंद तोपें थीं। इतनी कम तादाद में फ़ौज भेजे जाने की वजह इंटेलिजेंस की मालूमात की कमी थी।
अंग्रेज नहीं जानते थे कि अयूब खान का लश्कर उनसे बहुत बड़ा है, मतलब कितनी तादाद में है ये उनके इल्म में नहीं था। उन्हें अफगानों की असल तादाद उस वक्त मालूम हुई जब 27 जुलाई 1880 को मेवंद के नज़दीक दोनों फौजें आमने सामने आईं। मेवंद कंधार शहर के शुमाल मगरिब में तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। इसी गांव की मुनासबत से इस जंग को मेवंद की लड़ाई का नाम दिया गया है। जब लड़ाई शुरू हुई तो दोनों फौजों में ताकत का फर्क जल्द ही नजर आने लगा। अफगानों के पास चूंकि ज्यादा तोपें थीं, तादाद ज्यादा थी, चुनाचे उन्होंने शदीद बमबारी करके अंग्रेजों के कश्तों के पुश्ते लगा दिए। अफगान सिपाहियों ने तादाद में ज्यादा होने की वजह से जल्द ही अंग्रेज फौज को घेरे में ले लिया। फिर अफगानों ने एक भरपूर हमला किया और बरतानवी फौज भाग गई। तकरीबन 100 के करीब अंग्रेज भागने की कोशिश में एक इमारत में अफगानों के घेरे में भी आ गए। अफगानों ने इस इमारत पर धावा बोल दिया, लेकिन अंग्रेजों ने डट कर मुकाबला किया। दोनों तरफ से गोलियां बरसने लगीं। अंग्रेजों के साथ एक कुत्ता भी था जिसका नाम बॉबी था। ये कुत्ता भी इस लड़ाई में जख्मी हुआ, लेकिन आखिर में 11 फौजी अफगानों का घेरा तोड़कर इस कुत्ते समेत भागने में कामयाब हो गए। इसके अलावा बाकी तमाम अंग्रेजों को अफगानों ने हलाक कर दिया। मेवंद की लड़ाई सिर्फ 3 घंटों में खत्म हो गई थी। इस लड़ाई में बरतानवी फौज को 1109 अंग्रेज और हिंदुस्तानी फौजियों का नुकसान उठाना पड़ा, जिनमें के 969 हलाकतें थीं जबकि बाकी जख्मी थे। बरतानिया का दावा है कि इस लड़ाई में 3000 से ज्यादा अफगान भी मारे गए थे। यानी अंग्रेज ये कहते हैं कि शिकस्त के बावजूद उन्होंने दुश्मन को 3 गुना से ज्यादा जानी नुकसान मुबैना तौर पर पहुंचाया था। बॉबी को बाद में बरतानिया भेजा गया, जहां मलका बरतानिया ने उसे भी मेडल दिया। इस कुत्ते का जिस्म भी महफूज कर लिया गया, जो आज भी बरतानवी इलाके सेल्सबरी के रेजिमेंटल म्यूजियम में महफूज है। इसके गले में वही मेडल आज भी है जो कि इसे मलका विक्टोरिया ने दिया था। मेवंद की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजी बाद में भी मुद्दतों इस कुत्ते को देखने आते रहे और इसके साथ तस्वीरें बनवाते रहे। बॉबी के नाम का यादगारी सिक्का भी बरतानिया में जारी किया गया। मेवंद की शिकस्त बरतानिया में इतनी मशहूर हुई कि इसकी झलक इंग्लिश लिटरेचर में भी नजर आने लगी। बरतानिया के मशहूर अफसानवी जासूसी किरदार शर्लक होम्स के दोस्त डॉक्टर वाटसन का ताल्लुक भी मेवंद की लड़ाई से जोड़ा गया। शर्लक होम्स पर लिखे गए नावल स्टडी इन स्कॉरलेट में डॉक्टर वाटसन अपना तारुफ यूं करवाता है कि मेवंद की लड़ाई के दौरान उसके कंधे में गोली लगी थी। दोस्तों, मेवंद की लड़ाई तो अयूब खान ने जीती थी और इस वजह से अफगानों ने उन्हें गाजी अयूब खान कहना शुरू कर दिया था। लेकिन मेवंद की लड़ाई को जिस हस्ती ने तारीख में अमर किया, वो एक गरीब लड़की थी। नाम उसका था मलालई या मलाला। वही लड़की जिसके नाम की मुनासबत से बहुत से पश्तून आज भी मलाला नाम रखते हैं अपनी बेटियों का, जैसा कि गुलाम मकई, मलाला यूसुफजई, जिन्हें अमन का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अफगान तारीख के मुताबिक मलाला टीनेज अफगान लड़की थी जिसका बाप चरवाहा था। मलाला मेवंद के करीब ही एक गांव में रहती थी। जिस रोज मेवंद की लड़ाई शुरू हुई, उस रोज मलाला की शादी थी, लेकिन ये शादी नहीं हुई क्योंकि मलाला के वालिद और मंगेतर इस लड़ाई में अफगानों की तरफ से लड़े और मारे गए। मलाला भी सैकड़ों अफगान खवातीन के साथ जंग में शरीक थी, जो जख्मी अफगान सिपाहियों को पानी पिला रही थी। लेकिन जंग में एक ऐसा मौका आया जब लगा कि जंग का पांसा अंग्रेजों के हक में पलटने लगा है। मलाला ने यह सूरत हाल भांपी तो उसने अफगानिस्तान का परचम उठाया और अपने हमवतनों को शायराना अंदाज में जोश दिलाया। उसने कहा, ऐ प्यारे जवानों, अगर मेवंद की लड़ाई में तुम्हें मौत मिली तो खुदा की कसम इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम बाद में शर्मिंदगी की तस्वीर बनकर जिंदा रहोगे। मैं अपने महबूब के खून के उस कतरे को अपने माथे पर सजाऊंगी जो मादरे वतन की हिफाजत के लिए बहाया गया है। इस कतरे की खूबसूरती देखकर बाग में गुलाब भी शर्मा जाएगा। मलाला ये अशार पढ़ती घोड़े पर सवार अंग्रेजों पर हमले भी करती जाती। मलाला की ऐसी जज्बाती तकरीरों और बहादुरी ने अफगानों का मोराल आसमान पर पहुंचा दिया। वो फिर से साबित कदम होकर लड़ने लगे। मलाला की दलेरी और अफगान जंगजुओं के जबरदस्त हमलों ने आखिरकार बरतानवी फौज को शिकस्त से दोचार किया, लेकिन तब तक मलाला अफगानों की फतह देखने के लिए जिंदा नहीं थी। उसे एक अंग्रेज फौजी की गोली लगी थी और वो जांबहक हो चुकी थी। अंग्रेजों के शिकस्त के बाद अयूब खान ने मलाला की लाश को उसके आबाई गांव में दफन करवा दिया। मलाला को आज अफगानिस्तान में कौमी हीरो का दर्जा दिया जाता है और उसकी कहानी अफगान बच्चों को स्कूल की किताबों में पढ़ाई जाती है। इसे फ्रांस में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली जॉन ऑफ आर्क की मुनासबत से अफगानिस्तान की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है। दोस्तों, हम आपके लिए इस पर एक शानदार बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं, जरूर देखिए।
साथियों मेवंग के करीब एक कब्र भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही मलाला की कब्र है। लेकिन यहाँ एक बात और भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो ये कि मॉडर्न हिस्टोरियंस का ख्याल है कि मेवंग की लड़ाई वाली मलाला सिर्फ एक अफसानवी किरदार है, लेजेंड है। मलाला की कहानी मुबैना तौर पर बाद में इस जंग के बाद ग्लोरीफाई करने के लिए इन वाक़यात को बनाई गई थी। इसके सबूत में कहा जाता है कि मेवंग की लड़ाई के फौरी बाद लिखी जाने वाली किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता। अतः कि अमीर अब्दुलरहमान जो उस दौर के वाक़यात में अहम किरदार अदा कर रहे थे उनकी ऑटोबायोग्राफी में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने मेवंद की लड़ाई का सरसरी सा जिक्र तो किया है कि अंग्रेज़ों को अयूब खान के हाथों एक शर्मनाक शिकस्त हुई थी, लेकिन उन्होंने भी मलाला का कोई जिक्र नहीं किया। ना ही इस बात का कोई सबूत है कि उनके दौर में मलाला को कौमी हीरो का दर्जा दिया गया था। माई क्यूरियस फेलोज, आप ये जहन में रखें कि अफगानिस्तान की गेम ऑफ थ्रोन्स में अमीर अब्दुलरहमान और अयूब खान तख्त काबुल के लिए एक दूसरे के दुश्मन थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेवंद की लड़ाई को कोई अहमियत नहीं दी ताकि उनके दुश्मन अयूब खान कहीं हीरो न बन जाएं। सो ऐन मुमकिन है कि मलाला एक सच्चा किरदार ही हो, लेकिन इसकी कहानी रावी की ताखीर का शिकार होगी। बहरहाल दोस्तों, मेवंद की लड़ाई में मलाला आई थी या नहीं, इससे जंग के नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेवंद की लड़ाई बहरहाल अफगानों ने जीत ली थी। अयूब खान अब कंधार शहर की तरफ बढ़ रहे थे और अंग्रेजों को ये इलाका हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा था। अंग्रेजों को दो काम अब फौरी करना थे, एक तो ये कि अब्दुलरहमान खान से जल्द अज जल्द डील फाइनल करना थी और दूसरा अयूब खान को शिकस्त देना थी। इनमें पहला काम तो बहुत जल्द हो गया, यानी अमीर अब्दुलरहमान से महज चंद रोज के मुज़ाकरात के बाद ही एक डील फाइनल हो गई। इस डील के तहत अंग्रेजों ने अमीर अब्दुलरहमान से ये वादा किया कि अब कोई अंग्रेज नुमाइंदा काबुल में तैनात नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान की हुकूमत सिवाय बरतानवी हुकूमत के किसी और गैर मुल्की ताकत से सियासी ताल्लुकात नहीं रखेगी। इसका मतलब ये था कि अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगी, जो कि अंग्रेजों की पुरानी डिमांड थी। इसी तरह बलूचिस्तान और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके अंग्रेजों ने अफगानों से छीन लिए थे वो अफगान वापस नहीं मांगेंगे। अंग्रेजों ने पहले ही वाजह कर दिया था कि वो इन इलाकों पर अब कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते। यानी ये तकरीबन मुआहदा गंदमक से मिलती जुलती एक डील थी जो अंग्रेजों ने यकूब खान से की हुई थी। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार अंग्रेज अपना कोई नुमाइंदा काबुल नहीं भेज रहे थे, जैसा कि उन्होंने पहले लुइस क्वागनारी को भेजा था। अंग्रेजों ने ये वादा भी किया कि वो किसी भी बैरूनी हमले की सूरत में अफगानिस्तान की मदद करेंगे। इसके अलावा अब्दुलरहमान खान को 10 लाख रुपये ग्रांट और कुछ तोपें भी दी जाएंगी, ये भी तय हुआ। ये डील फाइनल होने के चंद रोज बाद अब्दुलरहमान खान काबुल पहुंच गए। अंग्रेजों ने शेरपुर छावनी, किला बाला हिसार और दीगर पोजीशंस को खाली कर दिया। अंग्रेजों ने 30 तोपें और काबुल का तमाम शाही खजाना अमीर अब्दुलरहमान के हवाले कर दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने उन्हें वादे के मुताबिक 10 लाख रुपये भी गिफ्ट किए। काबुल का कंट्रोल अमीर अब्दुलरहमान के हवाले करने के बाद अंग्रेजों ने अयूब खान पर तवज्जो दी। मेवंद की लड़ाई के बाद बरतानिया में अफगानों से नफरत का जो माहौल था वो बरतानवी प्रेस में शाया होने वाले इस कार्टून से साफ जाहिर है। 11 अगस्त 1880 को शाया होने वाले इस कार्टून में देखा जा सकता है कि अफगान बिच्छुओं की तरह हैं जिन्हें बरतानिया अपने बूटों से कुचल रहा है। तो नफरत के इस माहौल में जनरल रॉबर्ट्स को हुक्म मिला कि वो काबुल से कंधार जाएं और अयूब खान का मुकाबला करें। यूं अफगान कमांडर अयूब खान का सामना अब बरतानिया के सबसे तजर्बाकार जनरल से होने जा रहा था, जिसे नए अफगान अमीर की भी भरपूर हमायत हासिल थी। इस जंग का अंजाम क्या हुआ? जनरल रॉबर्ट्स अमीर अब्दुलरहमान के काबुल आने से दो रोज पहले 8 अगस्त को कंधार के लिए रवाना हुए। उनके साथ अमीर अब्दुलरहमान के भेजे हुए कुछ नुमाइंदे भी थे जो रास्ते में अफगान कबाइल को हुक्म देते जाते थे कि वो इस फौज को, यानी अंग्रेज फौज को, नुकसान ना पहुंचाएं। कबाइल को ये हुक्म भी दिया गया कि वो अंग्रेज फौज को खाना फराहम करें। अफगानों ने अपने नए अमीर अब्दुलरहमान के इस हुक्म पर लब्बैक कहा और रास्ते भर अंग्रेज फौज की मदद करते रहे। इसी वजह से जनरल रॉबर्ट्स बहिफाजत कंधार पहुंच गए। ये मदद वाली बात दोस्तों अमीर अब्दुलरहमान ने खुद अपनी बायोग्राफी में, अपनी किताब में लिखी है, जिसके रेफरेंसेस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब जनरल रॉबर्ट्स कंधार जा रहे थे तो अयूब खान उनसे पहले कंधार पहुंचकर उसका मुहासरा कर चुके थे। तहम शहर में मौजूद बरतानवी फौज की सख्त मुजाहमत की वजह से वो इस पर अभी तक कब्जा नहीं कर पाए थे। इस दौरान उन्हें जनरल रॉबर्ट्स की आमद की इत्तला मिली तो उन्होंने मुहासरा खत्म करके दिफाई पोजीशन ले ली। उन्होंने कंधार के करीब ही एक गांव पीर पैमाल और कुछ दीगर बस्तियों की आड़ में अपना कैंप लगा लिया।
अफगानों ने इन आबादियों में घरों की छतों पर मोर्चे बना लिए। अब उन्हें जनरल रॉबर्ट्स की आमद का इंतजार था। जनरल रॉबर्ट्स अपनी फौज के साथ 31 अगस्त को कंधार पहुंचे। अगले रोज यकम सितंबर 1880 को जनरल रॉबर्ट्स और जनरल अयूब के दरमियान एक फैसलाकुन लड़ाई हुई। जनरल रॉबर्ट्स के पास 15,000 फौज और 36 तोपें थीं। अफगानों का लश्कर तादाद में कुछ ही ज्यादा था। लड़ाई शुरू हुई तो जल्द ही आबादियों के अंदर और खुले मैदान में दोनों जगह घमसान का रंग पड़ा। दोनों तरफ से बहादुरों ने खूब जौहर दिखाए। ताहम इस फैसलाकुन और तारीखी जंग का फैसला सिर्फ 3 घंटों में हो गया। अंग्रेजों ने अफगान फौज को अयूब खान की फौज को शिकस्ते फाश देकर भागने पर मजबूर कर दिया। मेवंद की लड़ाई का फैसला भी 3 घंटों में हुआ था और कंधार की जंग भी 3 घंटों ही में खत्म हुई। बस नतीजा थोड़ा मुख्तलिफ था। इस बार अंग्रेज फतह रहे थे। इस फतह के बाद अंग्रेजों ने अयूब खान के कैंप पर भी कब्जा कर लिया। इस कैंप में औरतें दोपहर का खाना तैयार कर रही थीं। गोश्त से भरी हांडियां चूल्हों पर चढ़ाई जाने वाली थीं। बर्तनों में गुंदा हुआ आटा तैयार था, लेकिन अंग्रेजी फौज के हमले ने अफगानों का लंच प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। कैंप वाले ये खाना भी जूं का तूं छोड़कर भाग निकले। ताहम अफगान भागते हुए अंग्रेजों के लिए खाने के साथ साथ एक सरप्राइज भी छोड़कर गए थे, जिसने उनकी फतह का मजा काफी किरकिरा कर दिया। कैंप में एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट मैकलन की लाश पड़ी थी, जो गालबन मेवंद की लड़ाई के दौरान गिरफ्तार हुए थे। उन्हें गला काट कर मारा गया था। अंग्रेजों का दावा है कि उन्होंने सिर्फ कंधार से पीर पैमाल तक 600 अफगान जंगजुओं की लाशें दफन की। यानी अफगानों का नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा था उनके मुताबिक, जबकि अंग्रेजों के सिर्फ 40 सिपाही 40 सोल्जर्स हलाक हुए उनके दावे के मुताबिक। कंधार की फतह के जरिए अंग्रेजों ने मेवंद की शिकस्त का बदला ले लिया था। अयूब खान शिकस्त खाकर हरात फरार हो चुके थे। अंग्रेजों ने उनका ताकुब नहीं किया और यूं बरतानिया और अफगानिस्तान की दूसरी जंग सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर अपने अंजाम को पहुंच गई। इसके बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को तेजी से खाली करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1881 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में अपने कब्जे वाला आखिरी इलाका यानी कंधार भी अफगानों के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ अंग्रेज ये चाहते थे कि कंधार को ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन अंग्रेजों के इत्तेहादी अमीर अब्दुलरहमान इसे अपनी रियासत में शामिल करने में कामयाब रहे। जैसा कि हमने पहले आपको दिखाया है कि वो अंग्रेजों से कंधार के बारे में पूछ रहे थे। वो कहते थे कि कंधार शाही खानदान यानी दुरानी कबीले का घर है, ऐसे शहर के बगैर उनकी सल्तनत अधूरी रहेगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अंग्रेजों ने अमीर अब्दुलरहमान को खुश करने के लिए कंधार उनके हवाले कर दिया। यूं अफगानिस्तान पर बरतानवी कब्जा मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। माइक्यूरस फेलोज अंग्रेज अफगानों को अपनी सोच के मुताबिक कीड़े मकौड़ों की तरह कुचल तो नहीं पाए थे, लेकिन इस जंग में उन्हें फेस सेविंग बहरहाल मिल गई थी। उन्होंने अफगानिस्तान में ज्यादातर लड़ाइयां जीत ली थी। कंधार की आखिरी लड़ाई में भी उन्हें फतह मिली थी। काबुल के तख्त पर उनकी मर्जी का हुक्मरान बैठा था। अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी समेत मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के कई इलाके भी उनके कब्जे में आ चुके थे। अफगान हिस्ट्री में ये पहली और शायद अब तक आखिरी बार था कि कोई सुपर पावर इतने फेवरेबल हालात में अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हुई थी, लेकिन इस कामयाबी की उन्होंने भारी कीमत भी चुकाई थी। वेस्टर्न हिस्टोरियन जोनाथन ली लिखते हैं कि ये जंग बरतानिया की कोई शानदार फतह नहीं थी। इस लड़ाई में क्वागनारी और 3 दूसरे बरतानवी अफसर अपने मुहाफिजों समेत मारे जा चुके थे। शेरपुर छोनी पर कब्जे की लड़ाई भी अंग्रेजों ने बहुत मुश्किल से जीती थी। इसी तरह मेवंद की शिकस्त और अफगानों की तरफ से कंधार का मुहासरा भी बरतानवी फौजी वकार के लिए बहुत बड़े धचके थे। इस जंग की वजह से हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड लैटन भी मुस्तफ़ी होने पर मजबूर हुए थे। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर ने बरतानवी खजाने के 17 मिलियन पाउंड्स यानी 1,70,00,000 पाउंड्स भी निगल लिए थे। ये रकम जंग से पहले लगाए गए अंदाजों से 3 गुना ज्यादा थी। यानी देखा जाए तो ये जंग अफगानों और अंग्रेजों दोनों को बहुत भारी पड़ी थी। इस जंग का सबसे ज्यादा फायदा हुआ जनरल रॉबर्ट्स को। कंधार में शानदार फतह ने उन्हें अंग्रेजों का हीरो बना दिया। उन्हें बरतानिया में मलका विक्टोरिया ने अपना खास मेहमान ठहराया। बरतानवी पार्लियामेंट ने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्हें एजाजी तलवारें पेश की गईं। उनके नाम पर एक फौजी मेडल तैयार किया गया, जिसे रॉबर्ट स्टार का नाम दिया गया। ये मेडल उन तमाम फौजियों को दिया गया जिन्होंने रॉबर्ट्स के साथ काबुल से कंधार की तरफ मार्च किया था। हत्ता के जनरल रॉबर्ट्स के घोड़े को भी ये मेडल दिया गया। यही नहीं, जनरल रॉबर्ट्स को बैरन रॉबर्ट्स ऑफ कंधार का टाइटल और फील्ड मार्शल का ओहदा भी मिला। उन्हें 19वीं सेंचुरी के कामयाब तरीन ब्रिटिश जनरल्स में से एक समझा जाता है।
अंग्रेज़ों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद भी अफगानिस्तान में हुकूमत की लड़ाई दोस्तों ख़त्म नहीं हुई। अयूब खान जो कंधार की शिकस्त के बाद हरात लौट गए थे, वो नया लश्कर तैयार करने लगे। अंग्रेज़ों के अफगानिस्तान से निकलने के चंद माह बाद यानी 1881 में ही अयूब खान ने कंधार पर दोबारा हमला किया और इस बार उस पर काबिज हो गए। कंधार के उलमा ने भी अयूब खान की हमायत कर दी और अमीर अब्दुलरहमान के खिलाफ फतवे जारी कर दिए। इन फतवों में अमीर अब्दुलरहमान को अंग्रेज़ों का दोस्त करार देते हुए उनकी हुकूमत को नाजायज़ हराम करार दिया गया। अमीर अब्दुलरहमान को जब कंधार के हालात की खबर हुई तो वो काबुल से फौज लेकर निकले और कंधार पर हमलावर हुए, जबकि एक और लश्कर को उन्होंने शुमाली अफगानिस्तान की तरफ से हरात पर हमले के लिए भेज दिया। कंधार के करीब अयूब खान और अमीर अब्दुलरहमान का आमना सामना हुआ। इस लड़ाई में अमीर अब्दुलरहमान को फैसला कुन फतह मिली। अमीर अब्दुलरहमान के फौजियों ने कंधार पर कब्जा कर लिया और शहर को जी भर कर लूटा। इसके बाद अमीर अब्दुलरहमान के खिलाफ फतवा देने वाले उलमा से भी इंतकाम लिया गया। इनमें से कुछ उलमा जान बचाने के लिए खरका शरीफ की इमारत में पनाह लिए हुए थे। आप जानते हैं कि इस इमारत में पैगम्बर इस्लाम का एक चौगा शरीफ महफूज है, इसलिए अफगान इस इमारत को बहुत मुकद्दस समझते थे। उलमा का ख्याल था कि अमीर अब्दुलरहमान इस मुकद्दस इमारत पर हमला नहीं करेंगे। उनका ख्याल गलत था। अमीर अब्दुलरहमान के हुक्म पर अफगान सिपाही इन उलमा को घसीटते हुए इमारत से बाहर ले आए। फिर अफगान अमीर ने खुद तलवार लेकर इन उलमा के सर कलम कर दिए। उधर अमीर अब्दुलरहमान के भेजे हुए दूसरे लश्कर ने अयूब खान के गढ़ हरात पर भी कब्जा कर लिया। अयूब खान कंधार में शिकस्त और हरात हाथ से निकल जाने के बाद अफगानिस्तान में ठहर नहीं सके। वो ईरान फरार हो गए। वहाँ से उन्होंने 1886 में एक बार फिर अफगानिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर अफगान फौज ने उन्हें एक दफ़ा फिर मार मार कर वापस धकेल दिया। अयूब खान ईरान लौट गए और अफगानिस्तान का बादशाह बनने की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी। फिर यूं हुआ कि ईरान में उन्हें अंग्रेज़ों का पैगाम मिला कि वो हिंदुस्तान आ जाएं और जिलावतनी की ज़िंदगी अंग्रेज़ों की पनाह में गुजार लें। अयूब खान ने ना जाने क्यों ये ऑफ़र कबूल कर ली और हिंदुस्तान चले आए और बाकी ज़िंदगी यहीं गुजार दी। 1914 में उनका इंतकाल हुआ। पिशावर के वज़ीर बाग रोड पर शेख हबीब बाबा का मज़ार है। इस मज़ार के अहाते में संगे मरमर की बनी इस कब्र के नीचे फातह मेवंद अयूब खान अबदीनी सो रहे हैं। माय क्यूरियस फेलोज, अफगानिस्तान की गेम ऑफ थ्रोन्स अमीर अब्दुलरहमान ने जीत ली थी। अब काबुल के तख्त पर वो विराजमान थे, लेकिन ये तख्त उनके लिए फूलों की सेज तो था ही नहीं, ये तो कांटों का बिस्तर था। अमीर अब्दुलरहमान को जो अफगानिस्तान मिला था वो क्या उसका शिकार था। किसी इलाके में मरकजी हुकूमत की रिट ही नहीं थी, हर तरफ बगावतें थीं और ताकत की लड़ाइयाँ जारी थीं। हालत ये थी कि अफगानिस्तान को एक मुल्क के तौर पर कायम रखना मुश्किल नज़र आ रहा था, लेकिन अमीर अब्दुलरहमान के पास एक फार्मूला था जो उन्होंने 18वीं सदी 18th century के रूसी हुक्मरान पीटर द ग्रेट से सीखा था। ये फार्मूला उन्होंने अफगानिस्तान में अप्लाई किया। ये फार्मूला क्या था? पीटर द ग्रेट फार्मूला। अफगानिस्तान में हज़ारा कबाइल की नस्ल कुशी कैसे हुई, क्यों हुई और ये अफगानाइजेशन क्या थी, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की अगली किस्त। हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की इस शानदार डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को दोस्तों अगर आपने शुरू से नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट पर टच कर लें। यहाँ देखिए कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह लेने जा रही है। और ये रही मशहूर साइंसदान निकोला टेस्ला की मुकम्मल बायोग्राफी।